गाड़ में बिक जाए नहीं किसी का बार ना खड़े हो जाए वह भी इनके धक्के मारे नुकाड़े क्यों खड़े चलाड़ते हैं बुलाड़े के वो से इनके तो ऐसा काम हो रहा जी बहुत बुरा हाल हो रहा है इनका। और सरकार इनकी कुछ सुनाई करे तो इनका कुछ समाधान हो सके नहीं तो इनकी तो बुरी हालत हो रही है जी। मुख्यमंत्री भी तो सिंगल है मुख्यमंत्री तो सिंगला की सिंगल आवाज नहीं क्यों नहीं सुन रहे तो वो थोड़ा थोड़ा दुख हो गया। एक तो इस उम्र तक दो बालक तीन बालक होने चाहिए थे वे नहीं बहु नहीं ऊपर तो बात करा भाई फैमिली आईटी मोटी समस्या आएगी यही समस्या आ रही है महाराज तो जी कोई लाशी भी निकालता समस्या मोटी है जी बहुत नशे की ओर भी चला जा रहा है बेरोजगार होने के कारण नशे की ओर चले गए कुछ है। एक तो तंग आके गांव भी छोड़ गया मारा साथी था संजय इसी नो बताइए मेंटली डिस्टर्ब हो गया वो। नमस्कार मैं आपका साथी सतेंद्र सिसाई फिलहाल भाई रणबीर सिंह गंगवा फिलहाल डिप्टी स्पीकर हैं जो फिलहाल दिखा दे एक बार जो जनता दरबार है वो चल रहा है और तमाम जो जनता है अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पर पहुँची है। गांव में किसी प्रकार की समस्या हो हर समस्या की सूची बनाई और एक ज्ञापन के तौर पर जो स्पीकर साहब हैं उनको देने लग रहे हैं। फिलहाल भाई दिखा दे एक बार कुछ भाई हैं भाई भाऊ कुछ भाई ज्ञापन लेके ये भाई भी पहुँचे हैं सब तो अलग किस तरीके हो गए बात उसकी करांगे देख लो भाई कहते देखो भाई भाई लिखा गया है एकीकृत पकड़ा भाई एक बार एकीकृत रांडा यूनियन हरियाणा यानी कि रांडा की यूनियन बना रखी है बात और जित करावांगे भाई समस्या क्या है इनने राम राम भाई साहब राम राम भाई साहब भाई पकड़ो एक अपना अपनी एप्लीकेशन लो समस्या क्या आ रही है परेशान क्यों करो रहे हो समस्या मोटी आ रही है सिंगल आदमी की फैमिली आईडी भी नहीं बन रही बहुत धक्के खा लिए डेढ़ साल हो गया हमने बहुत घने धक्के खा लिए इससे हमने सरकारी सुविधा का कोई लाभ नहीं मिल रहा जिससे जो मिलना चाहिए उससे भी वंचित था इसलिए फिर हमने वोट गिरने का क्या अधिकार है चाहे वोट गिरने का भी अधिकार छीन लो हमारा ये समस्या है। रंडा राणा एक तो पहले अभिशाप था ऊपर तो सरकारी भी परेशान कर रहा है बिल्कुल सरकार भी परेशान कर रही है जमा इसीलिए हमारी फैमिली आईडी तो बनी नहीं रही वोट गिरन का अधिकार और सरकार छीन लो मारते और क्या इलाज हमारे पास बचा ही नहीं तो मुख्यमंत्री जी भी बताओ है सिंगल है हाँ बिल्कुल मुख्यमंत्री भी सिंगल है फिर भी नहीं सुनाई कर रहे हमारी हमें कितने पीड़ित था लोग हमारी सुनाई क्यों नहीं कर रहे हम कहाँ जाओगे सरकार का गई बुहार लाएंगे कितना टाइम तो आप लग रहे हो हमारी बात मान नहीं जावा हमने कम से कम डेढ़ साल हो गया लगभग लग रहे हैं आज दे रहे हैं आज स्पीकर साहब को भी देंगे हम कोई उम्मीद लग गया है भाई इस तरह का समाधान हो सका है देखो हमारा तो काम है देना देखो उम्मीद तो हमने लगे भाई ये करेंगे तो हो जाएगा हल तो सरकारें करेगी और हमारा हाथ में तो कि है कौन ठीक फिलहाल भाई साहब बात करें देखो उम्र भी आपकी लगभग 40 के आसपास होगी होगी एक तो सामाजिक तौर पर परेशान हो इस उम्र तक अविवाहित रह गए रंडे रह गए ऊपर तो फैमिली आईटी की दिक्कत बताओ है क्योंकि परेशानी हो चलनी पड़ रही है परेशानी तो जी खूब है एक घर के कार्ड दे तो जी हमने तो कोई सुविधा भी को नहीं मिलती तो फैमिली आईटी वगैरह उनका राशन कार्ड राशन भी को मिला है ना राशन मिलता कुछ नहीं मिलता ना कोई सरकारी योजना मिलती हमने धरती पर तैर दिया लेकिन बिना नंबर प्लेट के बिना नंबर प्लेट के जी कोई नंबर को नहीं लग गया ना सरकार लांदी ना तो ब्याला लग गया ना बोला हमारी जो वो थी उनकी बात हो रही हाँ जी अब ऐसा बाजो आप भी बताओ थोड़ा ये तो गाड़ में बिक जाए है नहीं किसी का बार ना आकर खड़े हो जाए वह भी इनके धक्के मारे नुकाड़े क्यों खड़े चलाड़ते हैं बुलाड़े के वो से इनके तो ऐसा काम हो रहा जी बहुत बुरा हाल हो रहा है इनका। और सरकार इनकी कुछ सुनाई करे तो इनका कुछ समाधान हो सके नहीं तो इनकी तो बुरी हालत हो रही है जी। मुख्यमंत्री भी तो सिंगल है मुख्यमंत्री तो वो सिंगला की सिंगल आवाज नहीं क्यों नहीं सुन रहे तो वो उनकी कमी है वो उनकी गलती है उन्हें सुननी चाहिए उन्हें दर्द से पीड़ित होना चाहिए भाई क्या दर्द है अकेला आदमी कैसे जीवन व्यापन करेगा अपना उनको तो पता होना चाहिए ये बात भाई खाना भी है सारे हर चीज़ चाहिए हर सुविधा चाहिए घर में अगर आदमी दो है तो चार है बतलाने वाला इनके गल को बेचारे गल बोलनी नहीं बतलानी नहीं घर के इनके धक्के मार दे गाल में जाओ गाल वाले बढ़ने वाले धक्के मार दे चला रखे काम तेरा क्योंकि सारी वो है समाज के अंदर हर चीज़ का महत्व थोड़ा थोड़ा दुख हो गया। एक तो इस उम्र तक दो बालक तीन बालक होने चाहिए थे वे नहीं बहु नहीं ऊपर तो बात करा भाई फैमिली आईटी मोटी समस्या आएगी कहते तो इनकम ज़्यादा हो जाए और इनकम तो इनके तो बनती है को नहीं इनका तो कोई भी वो नहीं है जी ना तो इनके पास इतनी ज़मीन है अगर भाई ये खेती कर ले ना ये और धंधा कर सकते कुछ क्योंकि जमीन जमींदार का जाट का जन्म हो गया इनका एक बहुत बड़ा इनके ऊपर यू भी कलंक है
ये बहुत बड़ा वो है जी इनके ऊपर, इसलिए सबसे बड़ी दुख तो इन यू हो रहा है। और फिर गाल में भी तो इन वो बताऊँ, मैंने कई बार बोल चुका हूँ मैं, भाई गाल में भी खड़ा को नहीं होता इन बालना का कोई, तो यह समस्या आ रही है कि महाराज तो जी कोई लाशी भी निकालता, समस्या मोटी है जी, नशे की ओर भी चला जा रहा है, बेरोजगार होने के कारण नशे की ओर चले गए कुछ, एक तो तंग आके गांव भी छोड़ गया मारा साथी था संजय, इसी नो बताइए मेंटली डिस्टर्ब हो गया वो, परेशानी इसी हो रही है, दुख पहला दुख तो है बस शादी ना हुई ऊपर तो फैमिली आईडी इसी चीज आ गई भाई, भीतर बैठ गई बात, बिल्कुल भीतर बैठ गई, आने वाले टाइम में इलेक्शन टाइम आओगा जब हमें एकजुट होके वोट है ही, जो यूनियन बना रखी है अपना रंडा यूनियन है, जो इस पे काम करोगे, इस पे काम करेंगे, जो हमारा मैं बोलेगा हमारी आवाज उठाओगे वहाँ वोट डाल लेंगे हम, तो तारी मांग कौन सी है जो चाहोगे सरकार भी मान रहा उम्मीदवार आवे वो भी मानना है, बिल्कुल जैसे है नहीं हमारे में सरकार जो काम लेना चाहो ले सके है, मतलब हमारी पेंशन बननी चाहिए, रोडवेज का किराया बनना चाहिए जिससे हम भी हैंड फिर के देख सका, देख सका, बिल्कुल भाई देखो दुखा मोटा रो, ये बात भी बहुत जरूरी हो गई है भाई, फैमिली आईटी की भी दिक्कत है भाई, इस उम्र तक वो भी ना मिली उसकी भी दिक्कत है, तो भाई सरकार ने भी कुछ ना कुछ माननी चाहिए, कुछ ना कुछ जो इच्छा है कुछ तो पूरी करो, भाई खाली हाथ आता खाली हाथ चला जाएगा, भाई अपनी जायज मांग इनकी ज्यादा वीडियो को शेयर कर दियो ताकि जनता तक ये बात पहुंचे, सरकार तक ये बात पहुंचे कि रंडे पुकार कर रहे हैं, रंडे की सुनी जाओ है जी, हाँ ये समस्या आ रही है, समस्या आ रही है जी, ना तो को उठन दे भीतर पड़न देंदा और ना और मार तो इतनी बेइज्जती कर रखी है माले समाज में रहने जोगे को नहीं, बुरा हाल करा कोने उन्दे भी कोन देंदा, और बताओ कोई बात तो कुंती उनती या बात होगी भाई, ब्याह तो इनके होने नहीं, नंदा देखे भी क्यों बुलाए कोन देंदे को नहीं, इतना बेइज्जकार हो रहा ना सरकार सुनती की में, इसने बुरा हाल कर रखा है, विधवा जी है उसकी तनख्वाह पर रेंडे ज्ञात को नहीं, हरा का वोट उसे जो हमारी तनख्वाह बंद है, यानी वोट उसे थी जो रंडा इस क्रय सुनाई, हाँ नहीं और कोई वोट नहीं, सीधी बात से फिलहाल भाई, हाँ जी आज जी आज का दिन है जो समाज में सबसे ज्यादा सहयोग दे रहे हैं वो रंडे ही दे रहे हैं, मेरा गांव में जो रंडा एकीकृत यूनियन है उसने गांव में इतने पेड़ पौधे लगा रखे हैं, कोई मतलब जो मैरिड व्यक्ति है वो भी नहीं लगा रहा, इसलिए हमारी मांग है कि पहले तो जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, पहले वो अपनी फैमिली आईडी दिखाए कि उन्होंने अपनी फैमिली आईडी बनवाई कैसे, आज रांडा व्यक्ति रांडों के साथ साथ जो मैले पति पत्नी थे, पत्नी एक्सपायर होगी तो पति खल्ला रह गया, वह फैमिली आईडी के नहीं बन रही है और उनकी पेंशन लेने में बहुत ही धक्के खा रहे हैं, आज के दिन समाज में सबसे बुंडा हाल हो रहा है फैमिली आईडी के नाम पर, और सरकार किसी की कोई सुनवाई नहीं कर रही है, और साथ में हम तो मांग हमारी तो यही है कि जो एकल व्यक्ति हैं उनकी फैमिली आईडी बनवाने का कष्ट सरकार जल्दी से जल्दी करे, क्योंकि उनको सुविधा ही नहीं मिल रही है कोई भी, क्योंकि फैमिली आईडी के नाम से एक सबसे बड़ा ड्रामा कर दिया सरकार ने, और ना तो इनके आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, और हमारी मांग यही है कि सरकार कुछ ना कुछ परिवर्तन करे कि रांडो को कुछ अलग से लाभ देने का कष्ट करे, सुविधा मुहैया करवाई जाए, और जी मैं तो यही कहूंगा कि जो रांडे व्यक्ति हैं उनका भी समाज में कुछ योगदान देने के लिए उनका सहयोग ले सरकार, क्योंकि उन्होंने किसी की चिंता तो है ही नहीं, वो सरकार में और हमारे समाज में कुछ दे ही सकते हैं, ले तो सकते ही नहीं जी। फिलहाल भाई माजरा गांव के अंदर मौजूद थे और रांडा यूनियन अपना काम करने लग रही, पेड़ पौधे लगाने लग रही, लेकिन सरकार सुनाई ही नहीं करने लग रही, फिलहाल ज्ञापन जो डिप्टी स्पीकर है गंगवा साहब उनको सौंप दिया, देखने वाली बात होगी कब तक सुनी जाओगी, इसे अगर अपनी बात विराम दी हूँ, जय हिंद जय भारत।